हाय गाइस, लॉन्ग टाइम। बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने में, विच इज़ अराउंड हेल्पिंग पीपल बिल्ड देयर पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस के अंदर सब कुछ, इमरजेंसी फंड से लेके मंथली बजटिंग से लेके ट्रेडिंग तक सब कुछ है। तो उसको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, उसी के पीछे ही मैं बिज़ी हूँ, इसलिए इस चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ। बट एज अ ट्रेडर आई कैन नेवर लीव चार्ट्स, सो आई कीप एन आई ऑन दैट। तो लास्ट अक्टूबर में मेरा टारगेट पूरा हो गया था साल भर का, सो आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड। ठीक है, जनवरी में मैंने पूरी रैली मिस आउट करी, दिसंबर में रैली मिस आउट करी, एंड नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड गेट इन टू मार्केट। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम, काफ़ी दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो बहुत ही डॉजी वे में चल रहा है। सो आई थॉट इट इज़ अ गुड टाइम टू कम बैक एंड शेयर माई ओपिनियन। पानी पी लूँ पहले। ऑल राइट, सो यहाँ पे मेरा एनालिसिस यार ये है। देखो, जब ये मार्केट इस रेंज में था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से या तो रिवर्सल आ जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर ऊपर गया, फिर नीचे रिजेक्शन होके आया, बट सम हाउ मार्केट हेल्ड दिस लेवल। ठीक है, इस लेवल को होल्ड किया मार्केट ने एंड ये सपोर्ट की तरह अच्छा खासा एक्ट कर रहा है। अभी जिस पॉइंट पे आ रखा है, अभी एक और ऑल टाइम हाई पे है इनका। इस मैंने 18,000 के बाद से तो ऑल टाइम हाई पकड़ा ही नहीं भाई, ये सारे मूव मैंने मिस करे हैं। ठीक है, मेरा मैं बिज़ी बहुत था और इस समय में फुल अटेंशन नहीं दे पा रहा था, तो मैं पार्शियली इसके अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। तो कोई बात नहीं, रैलीज तो आती रहेंगी। तो क्या यहाँ से नई रैली चालू होगी, वी डोंट नो। ठीक है, हमेशा हमें अपना पर्सपेक्टिव एंड प्रोबेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में मेरे को क्या समझ आता है, ठीक है, ये डेली चार्ट हो गया, देन लेट्स गो टू वीकली चार्ट। तो ओके, वीकली चार्ट में यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे मार्केट रैली करी, देन पुल बैक आया, देन अगेन इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है एंड अभी वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो या तो ये डॉजी की तरह ही डॉज डॉज ऐसे ही क्लोज होगी, राइट, इनडिसाइसिव, या फिर ये ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया तो ये एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बन जाएगा हमारे लिए। आगे के रास्ते और खुल जाएंगे, लेवल्स खुल जाएंगे, लेवल्स आपके निकल जाएंगे आगे। ठीक है, सो दैट्स वाई कल ये वाला वीक ख़त्म हो रहा, तो कल का दिन विल बी रेलिवेंट। ठीक है, देन लेट्स गो टू वीकली के बाद डेली चार्ट। अब डेली चार्ट पे जो मेरे को दिख रहा है, वो मेरे को ये दिख रहा है कि मार्केट, देखो यहाँ से मैं मार्क करके दिखाता हूँ एंड टेल मी इफ़ यू सी दिस और नॉट। मार्केट भाई ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज है, देन इसने ये वाला पैटर्न बना दिया। ये कहीं ना कहीं एक चैनल की तरह बनता जा रहा है, राइट, ये चैनल की तरह बनता जा रहा है, राइट। तो अभी हम या तो इस पैटर्न के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है, जिनको जो पैटर्न और ये चैनल्स फॉलो करते हैं वो इसके हिसाब से चल सकते हैं एंड टेक योर एंट्री एग्जिट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, तो मार्केट मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो व्यू है, इस टाइम पे बुलिश साइड पे ही रहेगा अनटिल दिस इज़ ब्रोकन। हो सकता है यहाँ से एकदम से सीधा कैंडल आए और यहाँ तक आके ख़त्म कर दे, ठीक है, सारी की सारी मूवमेंट ख़त्म कर दे, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे सेलिंग भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस आया मार्केट एंड यहाँ पे अब क्या होगा। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, अगर आज का स्पेसिफिकली देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई से ही एकदम सेल आया, यानी जितनों के ऑर्डर यहाँ पे रुके हुए थे ऊपर, उन्होंने बाय करा हुआ था, जैसे ही आया सबने सेल किया पोजीशन एंड ये नीचे आ गया, राइट, बट ये होल्ड करी इसने अपनी पोजीशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब गिर रही होती है मार्केट वो बहुत तेज़ी से गिरती है, लेकिन जब ऊपर जाती है वो स्लो एंड स्टेडी जाती है। तो अगर ये इसी तरीके से होल्ड करते हुए जाती है, जैसे यहाँ पे इतना कंसोलिडेट करा, फिर यहाँ पे वॉलीटिलिटी दिखाई, लोगों को फंसा के यहीं पे आ गया, इफ़ दिस कंटिन्यूज एंड देन ब्रेकआउट, देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट। ठीक है, तब मैं ट्रेड लेने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा एंड ऊपर के मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दिस विल बी अ गुड रीजन यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि भाई क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है एंड देन ब्रेकआउट मिल रहा है, तो दैट वुड बी अ परफेक्ट सेटअप। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन हो चुका है। ठीक है, तो एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि डायरेक्ट इतना कंसोलिडेशन ना हो, एकदम से खुले या गैप अप खुले, तो सारे प्लान तो वैसे चौपट हो गए। तो एक
स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, तुम अपने प्रोबेबिलिटी ले सकते हो कि मैं 3 ही ट्रेड लूँगा, 1:1 अपना लॉस फिक्स कर लो। अगर तुम बुलिश हो तो तुम बुलिश साइड पे ट्रेड लो, 3 ही ट्रेड लो, ज़्यादा ट्रेड मत लो, एंड 1:2 ही रखना है तुम्हें, ठीक है। एंड वैसे ही तुम सेल साइड के लिए भी कर सकते हो। तो इधर वे यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, एंड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तुम अपना पैसा भी बना लोगे, ठीक है। सो दोज आर माई व्यूज़। एंड आजकल मैं फॉरेक्स में भी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। तो ओ भाई ये क्या हुआ रे, लो मार्केट तो गिर गई, US की 1% गिर गई। अरे भाई देख रहे हो कितनी लंबी लंबी कैंडल है। ओके लेट्स सी कल क्या होता है। DXY कहाँ गया, DXY भी गिरा ही है। DXY को देखते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर, देख रहे हो जोन कैसे मार्क कर रखे है, इसी जोन में से मार्केट कैसे पलटी मारती है ये बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। इन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ठीक है। मैं पेपर ट्रेड पे ही काम कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। ये वाला स्टॉक यहाँ पे पकड़ा था भाई लगभग, अभी अच्छा खासा ऊपर आ गया। ओके इंडिया विक्स भी लो जा रहा है। ऑल राइट दैट्स इट, ठीक है। तो बताना, कमेंट करना, क्वेश्चन करना जो भी तुम्हें डाउट हो। एंड हम ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स, ट्रेडिंग मैच, एक नया गेम लॉन्च कर रहे हैं। इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट टू चेंज लैंडस्केप ऑफ हाउ टू टीच अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। सो विल सी यू देयर। ओके बाय गाइज।